Hey, look at this cutie. Isn't she cute? But sadly, she's stuck in our basement. We offer some food to her. Uh, manager ko bhi bata diya hai. Hey. Welcome to my first ever vlog. It's morning time. I just came back after dropping off my kids to school. Uh, and welcome to my very messy. वेरी हैक्टिक एंड वेरी बिजी रूटीन एंड आई होप शो यू एवरी थिंग एज इट इज़ बिकॉज मेरे बनाने का जो पर्पज़ है वो यही है कि मैं आपको औरिजनल थिंग दिखाऊँ जो कुछ भी है और ये मेरे घर की हालत है सुबह क्योंकि रात को मेरी जो शिफ्ट थी बहुत लेट ख़त्म हुई थी और घर आके मैंने सिर्फ डिनर किया और बस मैं कुछ भी नहीं कर पाई किचन uh, का बहुत बुरा हाल है बट आई एम इन हरी आई हैव टू अटेंड माई ऑनलाइन क्लास और उसके लिए मैंने बहुत पैसे पे किए हैं तो मुझे वो अटेंड ज़रूर करनी है इसलिए मैं सब कुछ इग्नोर करते हुए सिर्फ और सिर्फ अपनी uh, जो है चाय का वो कर रही हूँ इंतज़ाम कि मेरी चाय बने और मैं जल्दी से uh, लैपटॉप ऑन करूँ और अपना uh, जो है क्लास स्टार्ट हो मेरी सारा कुछ देखें मैं इग्नोर करती जा रही हूँ जबकि बहुत मुश्किल है मेरे लिए ये लेट्स स्टार्ट विद दिस न्यू कप मैंने ये ख़रीदा और मैंने इसको उसमें रख दिया कि इसको कोई टच नहीं करेगा ये मेरे स्पेशल मग्स हैं तो और इसको सिर्फ मैं यूज़ करूँगी दिस इज़ सो सेल्फिश आई नो बट आई लव माई मग्स मुझे पता है अगर मैंने ये ऐसे ही सबको यूज़ करने दिए तो वैस अपने साथ ले जाएंगे और ये कभी वहाँ से वापस नहीं आएंगे उनके कार में ही रहेंगे uh, तो प्लीज़ इग्नोर ऑल दिस मैस क्योंकि ये सब मैं साफ़ कर लूँगी uh, बट जो भी मेरी क्लास है वो बहुत ज़रूरी है तो मैं उसके लिए बहुत रश में हूँ एनी वेज आपको मैं ये बता दूँ कि मेरी ये व्लागिंग का जो है सिस्टम ये क्यों मैंने स्टार्ट किया है वालागि बनाना आ इसका मकसद कोई सिर्फ यूट्यूब पर आके फेमस होना या व्यूज़ लेना नहीं है मैं चाहती हूँ कि मैं आ, जिस कंडीशन जो हेल्थ कंडीशंस हैं मेरी जो जिनके साथ मैं आ, एक तरह से फ़ाइट कर रही हूँ वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ आई विश के मैं बहुत पहले स्टार्ट कर लेती क्योंकि इट्स बिन एलेवन ईयर्स और आ, बहुत कुछ मैंने फेस किया है बहुत कुछ मैंने आ, चीज़ें थी जिनसे साथ फ़ाइट की है आ, अपने हेल्थ कंडीशंस को लेके ये फाइट सिर्फ मेरे और मेरी कंडीशन जो हेल्थ कंडीशन था उसके साथ ही रही है इससे किसी और पर्सन का किसी और आदमी का किसी का कुछ लेना देना नहीं है ये सिर्फ मैं हूँ अकेली मैं हूँ और मेरी हेल्थ कंडीशंस हैं मैंने मैं आगे चल के आपको बताऊँगी कि मेरी आ क्या जो है मेरे पास में है मेरी हेल्थ के इशूज़ और अब जो मैं फेस कर रही हूँ उनसे मेरी मेंटल हेल्थ पे क्या पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है तो इस वक्त मेरी क्लास स्टार्ट हो चुकी थी और मैं इस वक्त बिल्कुल ही मैं बहुत शदीद नींद में हूँ इस वक्त आप लोग देख सकते हैं आई वॉज सुपर टायर्ड और मैं बिल्कुल दिल नहीं जा रहा था पढ़ने का लेकिन मुझे बार बार याद आ रहा था कि मेरे लिए पढ़ाई बहुत ज़रूरी है मैंने बहुत स्ट्रगल की है मैंने जो कुछ मैंने पास्ट में देखा है अपनी हेल्थ कंडीशन के साथ अपने अपने आप को मैंने जैसे सफ़र करते हुए देखा है मैं उस चीज़ से दोबारा नहीं गुजरना चाहती हूँ मैं इम्प्रूवमेंट चाहती हूँ अपने साथ अपने अन, अपनी सेहत के साथ अपनी मेंटल हेल्थ के साथ जो भी है मुझे आ, अपने लिए मैंने पहले किया और अब भी करूँगी तो ये सब कुछ करना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है अपने आप को रीडायरेक्ट करना तो इस वक्त मैं जो खा रही हूँ मैं चाय पी रही थी और मैंने बेसन के और स्पेनिज का एयर फ्रायर में मैंने पकौड़ा बनाने की कोशिश की थी जिसमें ऑयल नहीं था जिसमें और कोई मसाला नहीं था सिर्फ सॉल्ट एंड पेपर था और मैं अब बिल्कुल थक चुकी थी और मैं बहुत टायर थी मैं लेट गई थी इसके बाद मैंने अपना होमवर्क किया और लुक एट माई स्किन लुक लाइक एटी ईयर्स ओल्ड और क्योंकि ये मेरी स्किन जो है बिल्कुल तबाह हो चुकी है बर्बाद हो चुकी है मेरे बाल झड़ चुके हैं और जो सब कुछ मेरी हेल्थ के साथ रिलेट करता है वो मेरे ऊपर नज़र आ रहा है आप मेरे फेस पे देख सकते हैं बहुत ड्राई स्किन है बहुत टायर्ड स्किन है और एक्चुअली मैं बहुत टायर्ड हूँ मैं मुझे रेस्ट चाहिए और मुझे पता है मुझे रेस्ट करना है मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन इट्स नॉट पॉसिबल येट एंड आई एम टेकिंग स्टेप्स फॉर ऑफ यू नो बेबी स्टेप्स कि मैं जाके मैं आ, उस जगह तक पहुँचूँ फिर मैं रेस्ट करूँ मुझे पता है मुझे करना चाहिए लेकिन अभी लुक एट माई आई एम रनिंग अराउंड मुझे ये सब कुछ वैसे बहुत अच्छा लग रहा है ऐसे फ़ास्ट मोड में देख के काश ये इतना फास्ट हो भी सकता हो मगर मेरे लिए आ, ये सब कुछ करना ट्रस्ट मी वेरी हार्ड क्योंकि मेरे अंदर बिल्कुल एनर्जी लेवल जो है मेरा जीरो हो चुका है मेरी स्किन देखें हाथ की बिल्कुल ऐसे जैसे मैं बहुत बूढ़ी हो चुकी हूँ मुझे एक्जिमा है हाथ पे और uh, uh, मैं जैसे ही कुछ ऐसे डिटर्जेंट uh, या ऐसा कुछ यूज़ करती हूँ जिसमें बहुत ज़्यादा सोप हो या कुछ हो तो मैं वो मुझे इफ़ेक्ट करता है मेरे हाथ पे कट्स पड़ जाते हैं बहुत स्किन ड्राई हो जाती है इट्स लिटरली ब्ली ऑल द टाइम मेरी डॉक्टर मुझे एक ऑयल uh, रिकमेंड किया था जो मैं यूज़ कर रही हूँ पिछले थ्री वीक से इट्स uh, गुड मैं आगे चल के आपको उसका नाम बताऊँगी मैं आगे चल के इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं कोई यहाँ पे ये चीज़ें बताने नहीं आई कि आप आपको कुछ आइडियाज़ या टिप्स देने नहीं आई मैं सिर्फ आपको एक आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि मेरे तरह और बहुत सारे लोग होंगे जो इस तरह की लाइफ जी रहे होंगे जिनके साथ ये प्रॉब्लम्स होंगी तो वो देखेंगे इट्स हार्ड बट इट्स नॉट इम्पॉसिबल यू कैन डू इट आप अपने लिए खुद खड़े हो सकते हो अपने लिए आप खुद कोशिश कर सकते होगा कि आप बेहतर फील करो तो आप अपने लिए कर सकते हो यू शुड नॉट बी सेल्फिश फॉर योर सेल्फ आपको अपने लिए खुद करना पड़ेगा देखें यहाँ पे कोई नहीं होता कोई और किसी का ख्याल रखे आपको खुद रखना है मैंने 11 साल बहुत सफ़र किया है मेरी जो कंडीशन थी मेंटली मैं मैं शेयर नहीं करती थी लोगों से मैं हस्बैंड को पता था मेरे बच्चे बड़े बेटे को पता था दो बाकी बच्चों को नहीं पता था आ, मैंने बहुत सफ़र किया है मैंने बार बार सॉरी किया जो मेरी आ, मैं जब मैंटली डिस्टर्ब होकर जो कुछ रिएक्ट करती थी मैंने उस पर कई दफ़ा सॉरी किया अपनी फैमिली को पता uh, है फैमिली समझ जाती है समटाइम फैमिली भी नहीं समझती फैमिली समझ जाती है लेकिन uh, बाकी लोग नहीं समझते वो आपको जज करते हैं वो आपको दस दफ़ा बताएंगे यू आर गेनिंग वेट यू आर गेटिंग फैट जैसे कि आपको नहीं पता कि आप ब, मोटे हो रहे हो आपका वेट बढ़ रहा है यार पता सबको होता है लेकिन हर कोई किसी कंडीशन से किसी सिचुएशन से गुजर रहा होता है उसके साथ कुछ प्रॉब्लम होती है आप लोग लोग नहीं समझ पाते तो वो चीज़ आपको और ज़्यादा ना तोड़ देती है मैंने वो चीज़ बहुत फ़ेस की है मैं बहुत बुरे हालात में भी गई हूँ इवन कि मैं डिप्रेशन के एक्सट्रीम उस लेवल पे चली गई थी डिप्रेशन एंजाइटी आई वाज सुसाइडल एट वन पॉइंट एक्चुअली मुझे पीसीओएस है और उसकी वजह से मुझे और बहुत ज़्यादा कि प्रॉब्लम्स हैं स्किन प्रॉब्लम्स मेरी मेंटल हेल्थ बहुत डाउन हो जाती है आई एम सो इमोशनल समटाइम्स आई हैव अ ब्रेक डाउन यू नो हिस्ट्री और मेरी स्किन प्रॉब्लम मेरा मेरी वेट मेरी मुझे डायबिटीज़ है और मल्टीपल मुझे एलर्जीज़ है मुझे क्रॉनिक साइनस प्रॉब्लम है मुझे माइग्रेन इस कदर है कि बुरी कंडीशन है माइग्रेन की आई कॉन्ट इवन यू आई कॉन्ट इवन एक्सप्लेन यू इन सिंपल वर्ड्स तो इन सब चीज़ों के साथ आपको जब अपनी डेली लाइफ को लेकर चलना पड़ता और ये नहीं है कि मुझे ये मंथ में एक दफ़ा हो रहा है या दो दफ़ा मुझे डेली है ये सारे इन सब के इन सब जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं इनके साइड इफेक्ट कह लें इनकी सिम्टम्स साइंस मुझे डेली शो होते हैं और इसके मैं इसके तरह मेरी इम्यूनिटी वीक है मेरा आयरन लेवल बहुत लो है मुझे इन्फ्यूजन के लिए जाना पड़ता है आई लुक लाइक वेरी फैट आई लुक आई एम आई एम फैट एक्चुअली मेरा वेट काफ़ी ज़्यादा है और पहले इससे भी बहुत ज़्यादा था स्टार्ट में अगर आज से सात आठ साल पीछे जाए तो मेरा वेट एटी फाइव था और आ, मैंने उस वक्त स्ट्रगल स्टार्ट की थी और मैं एकदम से सिक्सटी फाइव के जीज़ पर आ गई थी मगर डॉक्टर वॉज नॉट सेटिसफाइड शी सेट यू हैव टू गो मोर डाउन लेकिन आ, उस वक्त मैं बहुत बेहतर हो गई थी बीच में एक पीरियड था और आई वॉज़ परफेक्ट लेकिन उसके एकदम से जो चेंजेज़ आने अब शुरू हुई है मुझे लास्ट फ्यू मंथ से वो वापस मुझे लग रहा है मैं उसी लेवल पर जा रही हूँ तो मैंने सोचा कि मुझे अब कुछ रिकॉर्ड करना चाहिए क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं फ्यूचर में जब अपने आप को देखूँ जाके तो मुझे पता चले कि मैं कहाँ से आई हूँ और मुझे अपने पे वाक आज जैसा आई फील प्राउड ऑफ सेल्फ बिकॉज जिस कंडीशंस में मैं सरवाइव कर रही हूँ जिन हेल्थ कंडीशंस के साथ और मैं बाकी मेरी अपनी एक्टिविटीज़ जारी हो सारी हैं मैं स्टडीज़ कर रही हूँ मैं जॉब कर रही हूँ uh, मैं बच्चों को लुकावटा करती हूँ मैं और जहाँ मुझे सपोर्ट करना पड़ता है अपने हस्बैंड को मैं वहाँ सपोर्ट करती हूँ तो इन सब चीज़ों को लेके मैं और अपने आप को जितना कोशिश करती हूँ मैं कंपोज़ रखने की कोशिश करती हूँ तो ये आई फील प्राउड माई सेल्फ सो मुझे मैं बहुत प्राउड हूँ अपने आप पर और मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे कल जब मुझे देखें तो उन्हें पता चले कि मैंने स्ट्रगल की है और वो भी मुझ पर प्राउड फील करें आ, बट या दिस इज़ फॉर माई सेल्फ फ़ॉर माई फ्यूचर सेल्फ एंड फॉर माई पेरेंट्स I मैं नहीं चाहती कि वो मुझे किसी भी uh, इस कंडीशन में देखें कि मैं बहुत बुरे हाल में उनको नज़र आऊँ लेकिन मैंने उनसे आज तक कभी भी अपनी कंडीशन शेयर नहीं कि uh, अब मैं चाहती हूँ कि मैं ये शेयर करूँ अपने पेरेंट्स के साथ अपने पाकिस्तान में रहने वाले बहन भाइयों के साथ अपने फ्रेंड्स के साथ चूँकि उनको ये बात नहीं पता ट्रस्ट में उनको ये बात नहीं पता उनको ये पता है कि मुझे पी है मुझे डायबिटीज़ है मुझे एक्जेमा है मुझे यू you नो know, uh, ये चीज़ें छोटी लगती है कि एक्जिमा तो बहुत सारे लोगों को होता है ये लेकिन इसके साथ रहना आपको का, आपके साथ काफ़ी मुश्किल हो जाता है कभी क्योंकि मैं हेल्थ uh, डिपार्टमेंट uh, में हूँ तो मुझे फुल uh, टाइम अपने हाथों को बार बार <laughs> ये एक छोटी सी uh, वो एग्जांपल है कि मुझे रब करना पड़ता है अल्कोहल रब के साथ तो आई नो हाउ हार्ड इज़ फॉर मी बट ना इट्स नॉट दैट लाइक दैट इट्स नॉट लाइक दैट जब आपके साथ और बड़ी चीज़ें चल रही होती हैं ना तो आप अपने लिए बहुत ज़्यादा फील करने लग जाते हो और ये मेरे साथ होता है जब मैं आ, किसी भी इस हाल में होती हूँ कि मुझे फील हो रहा होता है कि मैं बॉडी शेमिंग हो रही है मेरी और मैं फ़ील करती हूँ कि मैं मुझ पर सूट नहीं कर रहा अच्छा मैं आपको बताती हूँ डिप्रेशन होता क्या है अभी आप मेरे मेकअप को इग्नोर करें क्योंकि इसे मैं हाइट कर रही हूँ अपनी इम्परफेक्शन बाहर जाने के लिए इस वक्त मुझे बहुत बुरा साइनस जो है हुआ है अटैक और आपको मेरी आवाज़ से भी समझ आ रहा होगा तो मेरी जो स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो चुकी है तो मुझे बहुत ज़्यादा जो है अपनी स्किन को कवर अप करना पड़ता है स्किन ड्राई हो चुकी है और स्किन लग रही है जैसे बहुत एजेड हो चुकी है तो और बाल में सब वैसे ही ख़त्म हो चुके हैं तो मुझे सब कुछ थोड़ा सा सही करना ये मैंने ए, मुझे मेरी डॉक्टर ने बताया था मुझे शुरू में पहले सात आठ साल तो बहुत ऐसा अच्छी कोई डॉक्टर नहीं मिली तो मैं अपने लिए खुद स्टैंड भी नहीं कर पाई मतलब कि मैं उस चीज़ को वो समझने लगी थी कि ये चीज़ें मैं ऐसी ही है मैं इनके साथ ऐसी ही रहूँगी ये सब कुछ जो है मेनली मेरे साथ जो मसला है वो मेरी डायबिटीज़ और मेरा पी है तो उसके साथ मुझे लगता था कि मैं जो मेरी बॉडी जिस तरह मेल्ट डाउन हो रही थी और मैं जिस तरह अपने सब कुछ हिम्मत छोड़ चुकी थी मुझे इस एक्सट्रीम का मुझे जो तरह आयरन आयरन डेफिशिएंसी है तो उस वक्त बहुत ज़्यादा थी और मुझे इन्फ्यूजन्स करवानी पड़ी थी दो या तीन विद इन ईयर तो मुझे आ, पता कि मैं उस वक्त बहुत मेरा वेट बढ़ चुका था मेरा आयरन लेवल लो था मेरे पास एनर्जी नहीं थी और मैं बहुत बुरी लगती थी ट्रस्ट मी मेरी हालत बहुत बुरी थी और जब और जब चूँकि मैं डिप्रेशन में थी मैं एक चीज़ बार बार रिपीट नहीं कर सकती थी अपने हस्बैंड के सामने करती थी लेकिन ख़ुद फील करती थी कि उस बेचारे को कितना मैं बताऊँ कि एक ही बात बार बार हाउ आई एम आई फीलिंग तो मैं बहुत ज़्यादा अंदर जो था ना मेरे अंदर बहुत कुछ गलत हो रहा था और उसका एंड ये हुआ कि मैं एक्सट्रीम डिप्रेशन में चली गई थी तो मुझे जब मैं अपनी प्रेजेंट डॉक्टर जो है उनसे जब मैं मिली और उन्होंने मुझे बताया कि पीपल डू Survive with these conditions, people do live with these conditions and they are living happily and they are living, like, you know, a good life. So, uh, perspective change here or many admission, yeah, first of all, many weight lose kiya very active li health, uh, jo, sorry, active uh, lifestyle, uh, choose, kiya many, uh. मैं सबसे पहले सोचा कि वाई नॉट स्टार्ट द स्टडीज सो so, मैंने आ, कॉलेज जॉइन किया और मैंने मुझे बहुत अच्छे फ्रेंड्स मिले वहाँ पे मुझे मेरी टीचर बहुत अच्छी थी और उससे बहुत चेंजेस आई मेरे अंदर बहुत पॉजिटिव चेंजेस आई मैं जो मैं थी मैं सोचती थी कि मुझे अब ये नहीं करना मुझे गु़स्सा नहीं करना मुझे एक्स्ट्रा एकदम से ना इसक्रीन नहीं करना बच्चों में क्योंकि ये मेरी मैं सफ़र कर रही थी मेरे बच्चे तो कुछ मेरी वजह सफ़र ना करे तो वो सब कुछ बहुत चेंज हुआ कि जो मैं सिर्फ सोचती थी कि मैं नहीं अब नेक्स्ट टाइम मैं ऐसे नहीं करूँगी मुझे अपने आप के लिए कुछ करना है तो वो मैंने करना शुरू किया और आ, मेरा परफ्यूम ख़त्म हो चुका है नहे की ज़रूरत है आ, और वैसे को बताना पड़ेगा तो खैर ये सब कुछ करके मैंने मैं सब कुछ मेरे लिए टोटली आई वॉज सो हैप्पी आई वॉज लिविंग माई लाइफ ये दो तीन साल जो थे बहुत अच्छे गुजरे मेरे और आई स्टार्ट माई जॉब आई आई वॉज गुड इन स्टडीज दो मुझे बेस्ट स्टूडेंट का अवॉर्ड भी मिला और आई वॉज अ फेमस वन इन माई क्लास आई वॉज टोटली चेंज्ड एंड देन वॉट हैपन अच्छा मैं आपको साथ तस्वीरें शेयर करूँगी अपनी उस टाइम पहले टाइम की और बाद के टाइम की और फिर अचानक मुझे नहीं पता लास्ट आ, आ, कुछ मंथ से या ऑलमोस्ट होने वाला है कि मैं दोबारा उस कंडीशन में वापस जा रही हूँ मेरा कुछ चेंज नहीं हुआ मेरा लाइफ स्टाइल चेंज नहीं हुआ आई एम मोर एक्टिव हाँ मेरे पास रेस्ट का टाइम नहीं है बट आई एम हैप्पी विद माय जॉब आई एम हैप्पी विद माय रूटीन आई एम सुपर बिजी बट आई एम हैप्पी बट वो जो कंडीशंस हैं वो जो एकदम डिप्रेशन है पता नहीं क्यों मुझ पर वापस आ रहा है आई टॉक टू अल्लाह हंड्रेड टाइम्स कि मैं इस सिचुएशन में वापस नहीं जाना चाहती मैं बहुत मुश्किल से बाहर आई हूँ और uh, लेकिन मुझे नहीं पता है सब कुछ क्यों हो रहा है इग्नोर माई बैड आई डिट मेक माई बैड दिस मॉर्निंग एंड यू नो यू ऑल नो आई वॉज बिजी विद माई स्टडीज़ सो दैट्स ओके अभी मैं जा रही थी बाज़ार से कुछ खाना पकाना है डिनर करना है तो ज़ाहिर सी बात पकाना भी पड़ेगा वो लेने के लिए तो उसके लिए मैंने ख़ुद को कुछ रेडी किया आई डों वॉन्ट टू लुक ंगली आउटसाइड सो बाल बन गए थे और मैं तैयार थी लिफ्ट में वापस आ गई थी लिफ्ट का बहुत बुरा हाल है इग्नोर इट पता नहीं कौन लोग हैं जो इसका गंदा कहते हैं और ये है मेरी फाइनल लुक इट डज़ नाट लुक लाइक अ लुक बट इट इज़ लुक सॉरी मेरे बाल बिल्कुल चढ़ चुके हैं बहुत थिन हो चुके हैं आई एम थिंकिंग टू चेंज माई शैम्पू एज वेल माई डॉक्टर वॉ सि टू टेक सम मल्टी वाइटाम हम क्या करते हैं इसके बारे में और मैं देखने जा रही हूँ कि वो बिल्ली अभी तक है कि चली गई मैंने मैंने जो को कॉल भी की थी मैंने जो क्लीनर्स हैं उनको भी बताया था उनको भी पता है और ख़ैर वो हमारी कार सीट पे पीछे बैठी रहती है तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन मुझे डर है कि यार किसी गाड़ी के नीचे ना आ जाए क्योंकि वो बहुत टाइनी है ना मैं उसको ढूंढ रही थी कहीं वो मेरी गाड़ी के नीचे ना हो तो अगर हो तो मैं स्टार्ट करके छोड़ूंगी और फिर मैं निकलूंगी खैर मैं बाहर आ गई हूँ मैं थर्ड बेसमेंट में होती हूँ तो बाहर आते आते अच्छा मेरी ना गाड़ी मेरा जो फ़ोन है उसका कोई वो नहीं है आ, होल्डर नहीं है मेरी गाड़ी पर लग नहीं सकता इट्स वेरी हैवी फ़ोन तो मैंने एक कैमरा लिया तो है लेकिन आप देखें और देखिए मैं बाहर निकली हूँ तो मैंने एक फजूल सा मास्क पहन लिया क्योंकि मैं अभी गाड़ी में ही थी चूँकि मैंने आपको पता है मुझे साइनस का मसला है तो मुझे जैसे ही मैं अपनी <laughs> आपको पता है साइनस में क्या होता है तो मेरा सारा मेकअप उतर गया एनी मैं आ गई थी मैंने सोचा मैं पहले चिकन लेती हूँ आई एम लकी आई लिव क्लोज़ टू द मार्केट सो इट्स अ वेस्ट फील्ड एक्चुअली शॉपिंग मॉल यहाँ पे सब कुछ है हलाल मीट है हलाल रेस्टोरेंट है और इवन uh, कि हमारे कोल्स पे सुपर मार्केट में भी हलाल मीट एंड हलाल चिकन एट्स एवरी थिंग इज़ अवेलेबल थे सो मैंने ऑर्डर दिया मुझे बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं है भाई मार्केट में ये व्लॉगिंग करने का वीडियो बनाने का तो अच्छा मैंने यहाँ कोल्स पे बहुत लंबी वीडियो बनाई थी जिसको मैंने एडिट करके छोटा कर लिया है क्योंकि वो काफ़ी लंबी थी ये मेरे फ़िश के वो लिए फिलेट बिकॉज मेरा बेटा हाथी खाता है ही इज़ अ सी फूड लवर और चिकन के ये मैंने सोचा कौन से लूँ मैं काफ़ी देर खड़ी अच्छा मैं ना कभी कभी गुम हो जाती हूँ मुझे कुछ समझ नहीं आता मैं कहाँ हूँ मैंटली एबसेट होती हूँ मैं जहाँ मैं खड़ी होती हूँ मैं खड़ी यहाँ पर काफ़ी देर देखती रही हूँ कि मैं क्या ले रही हूँ यहाँ पर क्या और ऐसा लग रहा है जैसे मैं एक टाइम वो जो चल रहा होता जैसे बंदा खो जाता है <laughs> तो टाइम ट्रैवलर्स जो होते हैं जो खड़े होते हैं खो जाते हैं मैं उस तरह से मैं कहीं और होती हूँ खैर एनी मैंने ये उठा लिया पैकेट ये चिकन चिपीस का पैकेट है और मैंने यहाँ से बहुत कुछ लिया था देखें आपको मेरी ट्रॉली में नज़र आ रहा होगा ये मेरे पूरे वीक का होगा वीक का इसलिए क्योंकि मैं भी अपने साथ लंच लेके जाती हूँ ऑवैस भी बच्चे भी और घर आके बच्चों के लिए भी होता है ये स्नैक्स टाइम के लिए तो एक वीक मैं जाके ले आती हूँ एक वीक ऑवैस क्योंकि हम दोनों की बहुत बिज़ी रूटीन है हम लोग बच्चों के साथ तो बाहर निकलने का सोच भी नहीं सकते लेकिन समटाइम्स जारा हमारे साथ होती है और फिर हम कुछ नहीं कर सकते तो हमने एक तरह से ना वो रखी हुई है बारी लगाई हुई है तो ये स्नैक्स मैं तो बिल्कुल भी नहीं खाती ये बच्चों के लिए होते हैं स्कूल टाइम के लिए जो है स्नैक्स चाहिए होते हैं घर में तो कुछ समझ नहीं आ रहा था क्योंकि मैं मोस्टली स्नैक्स लेकर नहीं जाती पता नहीं क्यों मैं बहुत सेल्फिश किस्म की माँ हूँ और ये सारी चीज़ें अवैस लेके जाते हैं मैं सिर्फ बेसिक जो होता है खाना वो लेके जाती हूँ क्योंकि मुझे सब चीज़ें बहुत फजूल लगती हैं शायद पता नहीं क्या है कि मुझे लगता है कि सब लेना फजूल है आ, लेकिन बच्चे बच्चे हैं उनको खाना होता है मुझे फजूल पैसों के मामले में नहीं लगता मुझे लगता है कि बच्चों को ये इससे अच्छा कोई हेल्दी स्नैक्स खाने चाहिए लेकिन उनका फ्रूट एंड क्रांच होता है शायद उसमें फ्रूट्स और वेजीज़ वो के जाते हैं एनी वेज़ मैंने सामान एटलीस्ट रखना शुरू कर दिया था लाइन में लग के और क्या आप देख सकते हैं मैंने कोशिश की थी मैं कुछ हेल्दी लूँ और पता नहीं क्या हेल्दी आया इसमें क्या नहीं आया मैंने अपने लिए ओट्स ले लिए हैं आई लव ओट्स और ओट्स के बगैर मैं ब्रेकफास्ट नहीं कर सकती ये भी वजह थी जो आज मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया था और वो कहीं भी नज़र नहीं आया होगा आपको <laughs> ये कुछ वो थी पुडिंग्स थी चीज़ ब्रेड फॉर अवैस हमें स्टार्टिंग शुरू करते हैं और फिर उन्हें भूल जाता है कि वो डाइट कर करें तो ये सब मामला था हमारे घर में चलते रहते हैं हम सब कहीं ना कहीं अपनी यादाश्त खो जाते हैं क्योंकि हमारी रूटीन इसका बिजी है इसका जहाँ बिज़ी है कि मैं आपको नहीं बता सकती अब इस दिन मेरा ऑफ था और मैंने मुझे ये शॉपिंग भी करनी थी मुझे लॉन्ड्री भी करनी थी मुझे सफ़ाई भी करनी थी मुझे क्लास भी लेनी थी और उसके बाद मैंने डिनर भी रेडी किया और ऑब्वियसली बच्चों का भी थोड़ा बहुत टाइम होता है और उसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि क्या हुआ था <laughs> उसके बाद हमें आज यानी कि इस दिन जिस दिन का ये व्लॉग है उस दिन तो मैं घर पे बहुत मैं जब घर पे आई हूँ तो मैंने सिर्फ काम किया मैंने पढ़ा है और फिर मैं दोबारा निकल गई थी शाम को तो आगे चल के आप लोग देखेंगे एनी uh, वेज इसने ये बंदी जो है ना ये बहुत अच्छे बैग पैक करती है इसमें सामान जो रखती है बहुत हिसाब किताब से रखती है तो मेरी कोशिश होती है कि जब ये जिस अगर ये हो वहाँ पर जॉब पर तो मैं इसी के उसमें जो, काउंटर पर जाऊँ शी सच नाइस लेडी सो घर में आ गई थी और मैंने आके सामान रखना शुरू कर दिया था जल्दी जल्दी मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था और मैंने कपड़े चेंज कर लिए क्योंकि मैंने चिकन वॉश करना था और हाँ, ये मेरे ज़िंदगी का मुश्किल तरी तरीन लवा होता है क्योंकि मुझे चिकन वॉश करना गोश्त गोश्त को धोना ये सब कुछ मेरे लिए बहुत मुश्किल काम है मैं नहीं कर सकती इसके बाद मैंने अपना ये शुरू कर दिया था जो डिनर बनाना था इसका सामान सारा करना और मैं सब कुछ बहुत जल्दी आ, सब कुछ एक साथ ही करना चाह रही थी मुझे हो रहा था कि मैं सब कुछ ख़त्म करूँ और बस का तो मेरे सर पे सवार था कि मैंने बच्चों के यहाँ से पहले पहले खाना बना रहे क्योंकि उसके बाद मैंने अपना रिवीजन करनी थी मेरा टास्क थे कुछ मैंने वो पूरे करने थे और खाना मैंने सर्व कर दिया सक्सेसफुली हमने खाना खा लिया था और मैंने उसका वीडियो नहीं बनाया था आ, क्योंकि बच्चे आ गए थे स्कूल से और मुझे फिर टाइम नहीं मिला था और मेरे बच्चे चाहते भी नहीं है कि वो वीडियो में ख़ास तौर पर हा तो आ, फिर मैंने अपना ये दोबारा से शुरू कर दिया था बच्चों का पता है कि इस टाइम मैं पढ़ रही हूँ तो सब अपने अपने कमरों में थे साथ शावल था एक ज़ारा मेरे पीछे थी और हादी अंदर था अवैस भी आ चुके थे तो वो जाके अंदर आराम से लेट के थे उन्हें पता था कि इस टाइम मैं बहुत ज़्यादा इरीटेट होती हूँ अगर कि मेरे पास कोई आए क्योंकि मुझे काम करना है और मैं कमरे में इसलिए नहीं बैठती क्योंकि कमरे में टी है और अवैस को होता है कि मैं इस वक्त टी वी देखूँ बाहर वाले टी वी पर ना हमने वो जी मूवीज़ और ये सब कुछ नहीं है हमारे तो अंदर वाले टी वी पर वो बैठ के देखते हैं तो अब वैसे भी बैठ पे बैठ के मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ सकती मैं तो सो जाती क्योंकि मैं रात को ही बहुत लेट सोई थी मेरे पास बहुत थकी हुई थी मैं इस वक्त और चाय भी नहीं पी थी मैंने और इस वक्त मैं सोच सोच के पहले मैं अपनी डायरी पे लिख रही थी और फिर मैं उधर टाइप कर रही थी और ज़ारा फुल टाइम मेरे साथ थी क्योंकि ज़ारा कुछ भी होते ज़ारा का टाइम ज़ारा का टाइम है ज़ारा ने मेरे पास आना ही आना है चाहे आप जितने सुपर बिजी हो उन्होंने आना है उनका उसका, उसका उसका राइट भी है और इस वक्त जो था मैं मेरा किसी टाइम बिना मैं मेरे सर में दर्द शुरू हो चुका था बहुत शदीद माइग्रेन और मुझे लगा था मेरी जो मेंटल कंडीशन थी ना उस वक्त ये थी कि जो मुझे अभी याद आ रहा है और मुझे पता है कि मेरी जो होगी मैं बहुत इरिटेट हो रही थी मैं नहीं कर मुझे आपको बताऊँ डिप्रेशन क्या होता है मैं पहले बता रही थी टाइम आपको फील होता है कि आप क्या कर रहे हो आप जो कर रहे हो वो यूज़लेस है आप यूजलेस हो आपको यहाँ नहीं होना चाहिए आपको इस सिचुएशन में नहीं होना चाहिए आप भाग जाना चाहते हो आई वॉन्ट टू रन अवे आई वॉन्ट टू रन अवे समाइम्स मुझे लगता है मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के चली जाऊँ मैं जैसे स्केप करना चाहती हूँ uh, लेकिन मेरे बच्चे uh, हैं ये बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है मेरे पास तो मैं भागती नहीं हूँ और देखिए मैंने उस चीज़ को अभी हाइड किया हुआ है जो इस वक्त मेरे मेंटल स्टेटस है और मैं अभी बाहर आ गई क्योंकि मैंने अवैस की मैं पीछे काफ़ी अर्से से पढ़ी हुई थी कि जिस दिन मेरा ऑफ होगा उस दिन हम लोग चलेंगे और आपके शूज़ लेने क्योंकि अवैस जो है वो अपने पे ना बहुत बहुत कम स्पेंड करते हैं तो मुझे कोशिश करती है कि मैं इसको बताती रहूँ या खुदा का वास्ता है इसको शूज़ लेने थे बहुत अरसे और ये चेंज नहीं कर रहा था क्योंकि ये टॉल है और हीवी वेट है तो इसका जो है शूज़ का आ, एक ख़ास किस्म के शूज़ ये पहन सकता है तो जब वो थोड़े से उन शूज़ को इनके ख़त्म हो जाते हैं टूट जाते हैं कुछ भी होता है तो ये फिर इसको जब तक ये चेंज नहीं करता ये रेस्टलेस रहता है इसकी टांगों में दर्द रहता है एनी हम ये इस कैफ़े में पहुंच चुके थे ये कैफ़े हलाल कैफ़े है ये उसी मॉल में है वेस्ट फील्ड में है और इनकी कॉफ़ी एक्स्ट्रीम है यार हद है बहुत ज़बरदस्त कॉफ़ी है और उनके जो केक्स हैं आई एम डायबिटिक यू नो बट इनके केक्स बहुत ज़बरदस्त हैं मतलब कि मैंने मैंने सिर्फ टू और थ्री बाइट्स ली थी लेकिन वो बहुत ज़्यादा स्वीट नहीं है और दे आर ओके लाइक मुझे वो दो तीन बाइट्स लेने में कोई मसला नहीं हुआ uh, और uh, ज यूजल जब ऑर्डर दे रहे थे ऑर्डर सो like, <laughs> yeah, you know, so, uh, उसको मसला था कि क्या लेना है केक लेना है कि बनाना ब्रेड आई एम अगेंस्ट अ बनाना ब्रैड बिकॉज उसमें वो बहुत ज़्यादा स्वीट होगी ऑबियसली इसको फिर बटर भी करवानी होगी और उसको फिर टोस्ट uh, भी करवाना होगा so. <laughs> अच्छा लगता है ये देखिए ना बुक्स रखी हुई है तो तो आप ये बुक्स जो हैं आप इन्जॉय करें अपनी कॉफ़ी अपनी बुक रीडिंग करें यू कैन इवन टेक दीज बुक्स टू होम एज अ रेंटल बुक और आई गेस यू कैन रेंट इट और आई एम नोट श्योर मगर आप कर सकते होंगे uh, मैंने सुना है कैसा होता है मेरी नेबर बता रही थी वो भी बहुत बड़ी फ़ैन है इस कैफे की तो खैर uh, हम लोगों ने यहाँ से कॉफ़ी ली और ये इसके सामने ही ये शॉप थी आ, मस्क नाम है इसका आई गेस तो ये यहाँ पे कैंडल्स हैं यहाँ पे ऑयल्स हैं इनके परफ्यूम्स बहुत ज़बरदस्त परफ्यूम सॉरी ऑयल बहुत ज़बरदस्त हैं तो आ, मुझे यहाँ एक बहुत ज़बरदस्त लगा था एक जो था आई गेस मैं भी आप लोगों को दिखाती हूँ मेरा ऑल टाइम फेवरेट एक ही है जो जो मुझे हर हर चीज़ में उसकी खुशबू अच्छी लगती है वो है वाटर मेलन एक्चु एक्चुअली वो वाटर मेलन की खुशबू नहीं होती लेकिन वो वाटर मेलन के नाम से होती है और इट्स लाइम एंड वाटर मेलन आई गेस दिस वन एंड इट्स सो गुड मैंने लेना था और मुझे था कि मैं लूँगी लेकिन मुझे लग मैं बाहर आई हूँ कॉफ़ी लेने uh, और मैं फिर भूल गई और अब मुझे याद है तो अब मेरे पास टाइम नहीं है और अब मैं नेक्स्ट uh, अब जो मेरा ऑफ होगा तो मैं जाकर लेकर आऊंगी क्योंकि इससे अच्छी खुशबू से आपको बहुत अच्छा वो पड़ता है जो है ना रिलैक्स फील करते हैं जब आपके घर से अच्छी खुशबू आ रही होती है एनी uh, वेज हम लोग आ गए थे जहाँ जिस काम के लिए हम आए थे अवैस के लिए शूज़ देखने जे पे जे जो है मेरे बेटे का फेवरेट है हादी का यहाँ से चूँकि सब लेटेस्ट डिज़ाइन होते हैं हर ब्रांड के तो आ, हादी हमेशा यहीं लेता है यहीं से लेता है तो उसने हमें कहा था कि अगर वहाँ पर वो आया हुआ शूज़ क्योंकि उसका भी आने वाला था तो मुझे देख के बताएगा क्योंकि उसका बर्थडे आने वाला है तो उसको चाहिए तो मैंने कहा था मैं उसको उसकी बर्थडे पे ले दूँगी लेकिन आ, वो लेटेस्ट डिज़ाइन था एडिडास का आई गेस आई एम नॉट श्योर तो उसका आ, वो अभी नहीं था यहाँ पे एनी हमने कोशिश की देखने की कि हम अवैस के लिए पसंद कर लें कुछ लेकिन अवैस को यहाँ से कभी पसंद नहीं आता कुछ भी अवैस को चाहिए होते हैं जो दिखने भी अच्छे हो लेटेस्ट डिज़ाइन हो लेकिन आ, वो इसकी पर्सनालिटी को सूट करने चाहिए ऑब्वियसली तो वो इसको जो नहीं अच्छे लगते नहीं अच्छे लगते हमने यहाँ पे कम अज़ कम थर्टी मिनट टू तो फोर्टी मिनट स्पेंड किए और वैसे को पसंद ही आया मुझे ये स्लीपर्स बहुत पसंद आए थे <laughs> क्योंकि मुझे आ, अच्छे लगते हैं ये सारे जो ब्रांडेड स्लीपर्स होते हैं तो खैर अवैस ने बड़ा ही कोई फजूल शू उठाया था और ये हादी के लिए उसको लगा था कि शायद ये वाला है लेटेस्ट लेकिन हादी ऐसा डिज़ाइन कभी पसंद नहीं कर सकता आई नो हिम तो ये मैंने उसे कहा ये नहीं हो सकता ये नहीं हो सकता और जारा को पता चला कि बाबा ने जो शू स्लिप बने हैं वो पीछे वहाँ पे भी हैं तो शी वॉज हैप्पी आई थिंक सो फिर हमने बड़ी कोशिश की यहाँ से अवैस को फिर मैंने कहा कि अवैश अगर टाइम मेरी वेस्ट करना तो चलो यहाँ से पे लेकिन फिर ज़ारा जो थी उनका यहाँ पे दिल लग चुका था और वो अपनी ट्रॉली लेके आई थी तो उसको लग रहा था कि मैं मेरी तो शॉपिंग है ही है ना मैं तो कुछ करना ही है तो जैसे ही अवैस को मैंने अवैस का पुराना अवैस के पास पहले ये वाला शो होता था ये वाला था अवैस के पास तो मैंने अवैस को दिखाया था तो अवैस को उसकी कहानी याद आ गई मैंने वो कहानी हज़ार दफ़ा सुनी हुई थी लेकिन मैंने उतना ही इंटरेस्ट शो किया और धीरे में सारा ने हाई हेलो शुरू कर दी थी और सारा को एक जो है जो क्या कहूँ मैं आपको कि एक पोस्टर जो था और वो नज़र आया ज़ारा को वो अच्छा लगा और ज़ारा वहाँ चली गई और मैं ज़ारा को ढूँढा उसके पीछे गई आवाज़ दी उसे नहीं सुना तो फिर मुझे जाके देखना पड़ा कि वो क्या देख रही है ज़ारा लाइक्स यू नो वेरी कैजुअल टाइप ड्रेसिंग और समथिंग आई डोंट नो एक्टिव एक्टिव जो वेयर होते हैं उसको पसंद होते हैं, आते हैं और वो वैसे ही पहनना चाहती है तो मैं इसको फ्रॉक्स वगैरह पहना देती हूँ अदरवाइज शी इज़ नॉट फ्रॉक गर्ल सो फाइनली वी केम टू स्केचर्स माई ऑल टाइम फेवरेट मुझे स्केचर्स बहुत पसंद है मैं मेरे वर्क शूज वहीं के होते हैं बहुत कम्फर्टेबल है मेरा अगर मेरी टेन आवर्स शिफ्ट है तो मेरा कम अज़ कम एट टू सेवन टू एट आवर्स मेरे जो है मैं खड़ी होती हूँ या मैं वॉक कर रही होती हूँ तो मुझे स्केचेज़ मेरे लिए बहुत अच्छे हैं मेरे स्केचेज़ जो हैं जो मैंने स्केचेज़ के शूज़ लिए मैं वो इवन के यू नो इलेक्ट्रिक शॉट प्रूफ है <laughs> तो रिस्क फ्री होते हैं इनके शूज़ तो मैंने अब को मिन्नत की कि अब खुदा का वास्ता है कि यहाँ से ले लो तुम बहुत कम्फर्टेबल फ़ील करो क्योंकि ये भी कोई ऐसे uh, शूज़ नहीं पहन सकता ये एसिक्स के पहनता है तो अब वो बंदी भी पहनों में बैठ गई थी बेचारे जितने उसने शूज़ यहाँ पे इसको दिखा दिए थे ना हाथ थी उसने सारे शूज़ दिखा दिए थे इसको और इसको पसंद आया था इसको ये था कि अब आगे गर्मियाँ आ रही हैं तो मुझे कुछ ऐसा लेना है जो मोस्टली यूज़ टू वेयर शॉर्ट्स और वैर ट्राउज़र्स तो उसको ये था कि मैं यही पहनूँ तो क्योंकि इसकी भी आ, जो है यही है डेली ये फुल टाइम अपने आ, आ, फिट पे होता है और ये दौड़ दौड़ तो नहीं खैर चल रहा होता है फुल टाइम हम लोग वैसे बहुत थोड़े टाइम घर पे होते भी हैं तो बहुत थोड़े टाइम के लिए हमें हम बस रात ही मिलती है सोने के लिए और मेरी अगर नाइट शिफ्ट हो तो मुझे रात भी नहीं मिलती ज़ारा को फिर शूज़ पसंद आ गए थे हमने बड़ी मुश्किल से निकाला था वो बड़ी लंबी वीडियो थी मैंने निकाल दी है इसमें से और ज़ारा बाहर निकलते हुए वे वे, वेस्ट फील्ड से फिर इसमें बैठ चुकी थी ये एक मरहला होता है इसको यहाँ से निकालना क्योंकि इसमें आप ना तो कॉइन डाल सकते हो अगर डाल दो तो ये चल पड़ेगा और फिर ज़रा वैसे ही निकल आएगी लेकिन वो आपके कॉइन वेस्ट हो जाएंगे तो मैंने इसमें पैसे डालना तो मुनासिब नहीं समझा मैंने इससे कोशिश की कि चलो और फिर हम जो हमारी जो सेटलमेंट हुई थी वो हुई थी हैप्पी मील पे <laughs> क्योंकि वो इससे बेटर है कि आप इस पर स्पेंड करो मनी से अच्छा है कि उसे हैप्पी मील ले दो तो वो कुछ खा लेगी और टॉय भी मिल जाएगा तो हमारा उस पर सेटिंग हुई लेकिन वो बाहर निकलते वक्त उसको लगा था कि वो वहीं से मिल जाएगा तो हमने उसको बताया उसको समझाया कि यहाँ नहीं है सारी शॉप्स क्लोज़ हो चुकी हैं तो चलो तो वहाँ पर है मैकडोनल्ड वगैरह वो बंद हो चुका था तो हमने उसे बड़ा समझाया कि चलो और ये एक मरहला था और अवैस की भी हिम्मत ख़त्म हो चुकी थी उस वो भी इसकी भी जॉब थी सुबह और आ, मेरी तो वैसी रूटीन आप लोगों ने देख ली कि मैं फुल टाइम और मैं इस वक्त ना मतलब मैं मैं फ़िज़िकली इतना टायर्ड नहीं थी जितना मैं मेंटली टायर्ड थी तो हम हाँ मैकडोनल्ड पहुंच चुके थे और ट्रस्ट मी ऑल द टाइम आई वाज लाफिंग आई वाज टॉकिंग आई वॉज यू नो लिविंग माई लाइफ वाली बात थी मगर इस वक्त मैं इस वक्त अपने आप को अंदर से मैं आपको लोगों को मैं इसलिए नहीं बता रही कि मैं आप लोगों से कुछ लूँगी हमदर्दी समेटूँगी नहीं ये रियलिटी है ये होता है मेरी तरह और जितनी बंदियाँ यहाँ वहाँ जहाँ पे भी कहीं पे भी होंगी उ, उन्हें पता होगा वो रिलेट करेंगी ख़ुद को मुझसे मैं आपको सिर्फ ये नहीं बताऊँगी हाउ टू सफ़र मैं आप लोगों को बताऊँगी कि इससे निकलना कैसे है क्योंकि अगर मैं ये नहीं करती जिस फेज़ में मैं दोबारा जा रही हूँ मुझ में उससे बाहर निकलने का दोबारा मुझे मौका है मुझे कोई वो नहीं मिलती और ये ब्रेकडाउन मेरा देखें स्टार्ट हो चुका था मैं बच्चों के सामने शहर के सामने नहीं रोना चाहती थी अब मैं इस पर रो रही हूँ लेकिन यह ब्रेकडाउन था और इसकी रीज़न कुछ भी नहीं थी इसकी रीज़न सिर्फ ये थी कि आई वॉन्ट टू रन अवे आई वॉन्ट टू जस्ट रन अवे फ्राम दिस सिचुएशन आई डोंट वॉन्ट टू डू दिस आई डोंट टू डू दैट Uh, मेरा माइक स्टार्ट हो चुका था मुझे साइनस का पेन स्टार्ट हो चुका क्योंकि जैसे ये होता है मुझे सारे पेन स्टार्ट हो जाते हैं एंड आई वॉन्ट टू एट दैट टाइम मैं दो होती हूँ उस वक्त एक एक ही होता है कि भाग जाओ और एक होता है नो यू हैव टू यू हैव टू फेस दिस यू हैव टू कम आउट ऑफ दिस सो ये दो सिचुएशंस थी और uh, मैं अपने कमरे को दरवाज़ा बंद करके मैं टॉयलेट में खड़ी हुई थी टॉयलेट का दरवाज़ा खुला हुआ था खैर और बस ये इस वक्त मेरी जो हालत थी आई खान इवन टेल यू जितना मैं बता सकती थी मैं बता दिया आ, मैं का इसके बाद मैंने कज़ू किया था नमाज़ पढ़ी थी और फिर मैं सुकून से सुकून तो नहीं खैर लेट गई थी तस्वीर करती रही और सो गई और सुबह मैं ठीक उठी थी, थी अल्हम्दुलिल्लाह तो ये नेक्स्ट डे है जो मैं इसकी एडिटिंग कर रही हूँ एंड आई feeling फीलिंग क्वाइट वेल yeah ये reality है ये होता है और uh, I am happy कि मैं share कर रही हूँ इस वक्त इसको ताकि मैं जब future में अपने आप को देखूँगी जाके जब मैं इन शाला तुली इस चीज़ से बाहर आ चुकी होंगी uh, मैं इतनी स्ट्रांग हो चुकी होंगी कि इन कंडीशन से फ़ाइट कर सकूँ ये मुझ पर इतना हावी ना हो तब मैं बहुत अच्छा फील करूँगी कि मैं मुझे पता होगा कि मैं कहाँ से आई हूँ किस सिचुएशन से निकल के आई हूँ आप लोगों को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया प्लीज़ आके मेरे व्लॉग्स देखते रहें इन शह वो इससे बेहतर होंगे ये मेरा फ़र्स्ट एवर व्लॉग है मुझे कोई आइडिया नहीं है आप लोग सजेशन दे सकते हैं लेकिन इसमें आपको ना तो मेकअप गाइडेंस मिलेगी ना कुकिंग क्लासेस मिलेंगी ना क्लिनिंगस हैक्स मिलेंगे सॉरी Uh, कुछ भी नहीं मिलेगा इसमें आपको शायद आगे मैं आपको अपनी डेली जो मैं सफ़र कर रही हूँ उसके साथ मैं कैसे बेहतर उसमें जाती हूँ क्या कोशिश करती हूँ अपने लिए मैं शायद आप लोग वो देख सको लेकिन या दिस इज स्पेशली फॉर माय पेरेंट्स फॉर माय फैमिली माय फ्रेंड्स आई डोंट वांट देम टू कॉल मी एंड आस्क मी हाउ आई एम फीलिंग बट दिस इज़ जस्ट फॉर या फॉर द थिंग आई वॉन्ट टू टेम कि ये पिछले दस ग्यारह सालों से सिचुएशन है मेरी like right हुआ है मैं उन्हें परेशान नहीं करना चाहती हाँ। लेकिन मैं उनको बताना चाहती हूँ कि ये सब कुछ है एंड आई एम द स्ट्रॉ वन बिकॉज मैंने बहुत बातें सुनी है मैंने अप बहुत अपनों से बहुत कुछ सुना है तो जिन्होंने मेरी हर चीज़ पर मेरा मजाक उड़ाया है और नाउ आई वॉन्ट टू टेल दैम देट आई एम अ फाइटर एंड आई एम अ अपना बहुत ख्याल रखिएगा किस्तान जिंदाबाद